हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो देखिए, आपके सामने मैं एक नए प्रोडक्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो चॉकलेट है, ये डार्क चॉकलेट है, ये कोई नॉर्मल चॉकलेट नहीं है, ये डार्क चॉकलेट है। तो आपको ये वीडियो दिखाने के लिए मैंने खर्चा किया, तो ये खर्चा मैंने किया, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो कैसे सपोर्ट चाहिए, ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं टू माई चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के एक नए प्रोडक्ट। तो देखिए, मैं आपके सामने ये गैलेक्सी, ये डार्क चॉकलेट मैं लाया हो, तो ये कैसे टेस्ट है, देखने में कैसा है, तो कैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। खाना कैसे चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना परसेंटेज से खाना चाहिए है कि नहीं, सब कुछ मैं खोलकर सब कुछ मैं दिखा दूंगा तो इस वीडियो में। तो ये पहले मैं ये दो खरीदा, ये देखिए एकदम अंदर में है, और देखिए इसका जो सील पैक होता है, इस ये जो जी लिखा हुआ है, ये गैलेक्सी है, और ये जो नाम है, नाम थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल का है। इसके ये जो कंपनी है, इसके साइड में भी और है। देखिए ये कैडबरी, देखिए ये जो फ्रॉन स्टाइल है, देखिए गैलेक्सी और फ्रॉन स्टाइल, ये कैडबरी का ही डुप्लीकेट किया हुआ है। तो अभी गैलेक्सी फ्यूशन, ये और जो ये बनाता है वो मार्स ये मार्स इंटरनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल, देखिए देखिए मार्स, हाँ ये मार्स इंटरनेशनल कंपनी, क्या नाम रखा है, मार्स इंटरनेशनल कंपनी। ये गैलेक्सी सभी तो स्पेस रिलेटेड नाम है, कोई अच्छा कोई भारतीय नाम नहीं मिला उनको। ये और ये देखिए, ये 2023 में मैंने शहर में ये लंच होते हुए देखा। तो हर ये कैसे लंच हुआ, हर दुकान में, हर स्टेशनरी और ऐसे कुछ दुकान में, डिपार्टमेंटल शॉप में, ये क्या करता था, गैलेक्सी का फ्रीज देता था, उसके गैलेक्सी का चॉकलेट भी है और डार्क चॉकलेट भी है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट भी है, क्योंकि मुझे डार्क चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, डार्क चॉकलेट जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा कोकोआ होता होगा, कोकोआ का शरीर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये बाजार में अवेलेबल इतना ईजी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और ये कोकोआ है, इसमें कितना परसेंट कोकोआ है, ये सब बिजनेस पर्पस के लिए होता है, तो इसमें कितना परसेंट कोकोआ होता है, तो ये मुझे कोई, मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा। ये इसमें तो लिखा है 70% कोकोआ, लेकिन आई डोंट बिलीव दिस। सो ये इससे ज़्यादा अच्छा है अमूल का है, अमूल का है डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, और उससे थोड़ा सा कम परसेंटेज है, और एक है ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा परसेंटेज कोकोआ रहता है। मैं आप लोगों को, मुझे अमूल डार्क चॉकलेट और अमूल कोकोआ चॉकलेट मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसमें क्यों पसंद है, उसके में इंग्रेडिएंट्स है, वही इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा होता है, उसमें मिल्क होता है, मिल्क सॉलिड होता है, लेकिन इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वही मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। अब कोई एक डेयरी मिल्क का जो चॉकलेट है उसके कंपेयर करके देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ। डेयरी मिल्क है ये जो कैडबरी है, डेयरी मिल्क ये नॉर्मल चॉकलेट सा है। देखिए इसमें जो देखिए इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें कॉन्टेंट्स मिल है, एलर्जिन इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट मिल से, सोया है, ट्री नट्स है, व्हीट है, बार्ली है, सोया है। इसमें बार्ली क्यों है, नट्स क्यों है, नट्स से सोया है, सोया है, एसओ बार्ली है, ये क्यों है, ये एलर्जिन कॉन्टेंट है, तो जिसको एलर्जिन एलर्जी का प्रॉब्लम है, सबको एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो ये मत खाइए, और स्पेशली बच्चों को ये मत दीजिए, तो एकदम नशा हो जाएगा, थोड़ा सा नशा होता है, और इसको रात में मत खाइए। रात में आपको रोज़ एक से मैक्सिमम दो क्यूब आपको लेना है, आप अगर एडल्ट हो रात में कभी भी मत खाइए, नहीं तो नींद चला जाएगा, नींद हराम हो जाएगी। तो इसको अभी आपको रात से सोने के 5-6 घंटा पहले ही लेना है, जो एक्शन होगा तो पहले एक्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्टेंट है, थोड़ा सा
देखिए इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। इसमें सेमी इंग्रेडिएंट्स होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा लिखा कम है। देखिए कोकोआ मैस है, बड़ा बड़ा कोकोआ मैस है, शुगर है, कोकोआ बटर है, इमल्सीफायर है, नेचुरल फ्लेवर है, टोटल कोकोआ कंटेंट 70% है। कंटेंट देखिए ये सेम ही चीज़ है, कंटेंट शो है मे कंटेंट बार्ली व्हीट टीना टेन मे कंटेंट, ये हो भी सकता है ना भी हो सकता है। तो ऐसे क्यों लिखा है, इसमें क्या है कोकोआ मास्ट है, शुगर, कोकोआ बटर ये सब करके बनाया है, इसमें मिल्क सॉलिड नहीं है। और इसमें दो सारे बोथ साइड में ये सील देकर रखा है। और इसका जो प्राइस है आप खुद देख लीजिए, इसका प्राइस ये प्राइस हुआ 56 ग्राम का है, रुपीज़ 99 में 56 ग्राम। तो ये शौक से खाइए, ठीक है, ये आपको शौक से खाना है, मैं आपको कहूँगा शौक से खाइए, रोज़ रोज मत खाइए। और जो इंटरनेट में होता है कोकोआ खाने अच्छा है, तो कोकोआ आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो डायरेक्ट कोकोआ सीड खरीदिए, खरीद के आप खाइए, ऐसे करके थ्रू भाया किसी को फूड में मिलाकर ऐसे मत खाइए। जैसे कि कोकोआ चॉकलेट होता है, कोकोआ बहुत सारा चीज़ में कोकोआ होता है, वो ऐसे मत खाइए। कोकोआ खाना है तो डायरेक्ट आप सीड खरीदिए, खरीद के आप कोकोआ खाइए। तो ऐसे मैं आप लोगों को कहूँगा, ये चॉकलेट ये क्या होता है, कोकोआ अच्छा होता है, चाय पीना अच्छा होता है, ये क्या होता है, ये सब बिजनेस पर्पस के लिए लोग इंटरनेट में ये सब आर्टिकल्स लिखते हैं। तो ये सब ज़्यादातर तो दिखाते हैं कोकोआ खाओ, ये खाओ, चॉकलेट खाओ, ये सब खाओ, ये खाने से फैमिली अच्छा हो जाएगा, जो टूटने वाला फैमिली है वो भी जुड़ जाएगा, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं होता, सब बिजनेस पर्पस के लिए होता है, मैं सीधा आपको कह देता हूँ। ये अंदर का पैक है, और देखिए अंदर में ये कैसा देखना है, एकदम डाइस में ये डाल दिया, इसमें कोई जो क्यूब कलर का जो चेकर क्यूब की तरह होते हैं वो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा तीखा है। 70% कोकोआ है लेकिन थोड़ा सा तीखा है। देखिए इसका मैंने इधर से थोड़ा सा खा लिया है,
ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू प्रोडक्ट रिव्यू। बाय बाय।